अस्मा चलो हीत के पास चलते हैं, मैं तैयार हूँ। वो आ जाएगा नफीस, तुम्हारा वक्त पूरा होने तक वो ईद को होटल लेके आ जाएगा। पता है अस्मा, दिल फट रहा है, घुटन हो रही है। मजलूमों पे अल्लाह का करम होता है बेटी, जालिम अपना सोचें। करम क्या होता है? कुरान की एक सूरत है, उसमें कहा है कि तुम्हारे लिए हमने दिल खोला नहीं, तुम्हारे लिए हमने वो बोझ हल्का नहीं किया, और वो बोझ जो तुम्हें अजियत देता है और तुम्हारी कमर तोड़ देता है, क्या हमने तुम्हारी शान नहीं बढ़ाई? मतलब ये कि मुश्किलात के साथ आसानी भी है। हाँ, हर मुश्किल के साथ आसानी भी है, इसलिए जब कुछ ना कर सको तो फिर से उठो और लड़ो, और सिर्फ अपने रब से उम्मीद रखो, हमेशा उससे मांगो। मैं वैसे भी अल्लाह से ही उम्मीद रखती हूँ, मुझे कोई दुआ सिखाए। बेशक, ठीक है मेरी बेटी, फिर मेरे साथ दोहराओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरा लका सदरक। अलम नशरा लका सदरक। वज़ाना अनका विज़रक। वज़ाना अनका विज़रक। अल्लज़ी अनका ज़हरक। अल्लज़ी अनका ज़हरक। वरफ़ाना लका ज़िक्रक। वरफ़ाना लका ज़िक्रक। सुबह बखैर नफीस, जोर लो। जी मैं हूँ। हम इंसानी खिदमात की तरफ से आए हैं, मेरा नाम जोया है और ये मेरे दोस्त जीशान है, हम अंदर आ सकते हैं? आज मुझे अपने बेटे से मिलने जाना है, हम निकलने ही वाले थे। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम जीत के विलायत के सिलसिले में आपके घर का सर्वे करने आए हैं, हमें जाकर अदालत में रिपोर्ट जमा करानी है, अब तो अंदर आ सकते हैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मैं नफीस की वकील हूँ अस्मा होपाली, आए। खुश आमदीद, आइए आइए, तशरीफ रखिए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताइए, ये घर आपका है या किराए पर रहती हैं? नफीस भी मेरी बेटी की ही तरह है और ये घर भी इसी का है। मुद्दई ने बताया कि आप बेघर हैं और आपने यहाँ पना ली हुई है, ये बात दुरुस्त है या फिर आप कुछ बताएंगी? बेटियां अपने बाप के घर में पनाह के लिए नहीं होती, बल्कि सर का ताज होती हैं बेटियां। आप इनके कौन लगते हैं? उस्मान होपाली मेरे चचा हैं और यहाँ की मस्जिद के इमाम भी हैं। आपकी कोई आमदनी है? हाँ, मैंने अस्मा के ऑफिस में नौकरी शुरू कर दी है। कितना अरसा हुआ है? एक महीना होने वाला है। ये तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, आपने उसकी फीस कैसे दी? मौजू ये नहीं कि कैसे अदा हुई, अदा हो गई। प्लीज ये लिखें कि ईद की अम्मी उसकी तालीम के अखराजात अच्छी तरह अदा कर सकती हैं। वैसे मुद्दई के मुताबिक नफीस के माली हालात ठीक नहीं है, वो फीस अदा नहीं कर सकती, लेकिन पैसे ताहिर ने अदा किए हैं। आखिर एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है मैडम। बात ये नहीं है, अगले साल उनकी तरफ से मदद होगी या नहीं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं वकील साहिबा।
चले हमें ईद का कमरा दिखाएं। चले। शायद नमी बहुत आती है अंदर। हम इसकी मुरम्मत करते रहते हैं। ये इस नमी से भरे कमरे में रहता है क्या? जी। और आप? और मैं भी। अलग कमरा तो दूर की बात, ईद का तो बिस्तर भी नहीं है। ऐसे ही है ना? जल्द आ जाएगा, मैंने काम अभी शुरू किया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। चलिए हम चलते हैं। सबको अल्लाह हाफिज। आप लोगों को भी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लोग अच्छी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। क्या हम फिर से सूर्य नशा पढ़ सकते हैं?